मुंगेर जिले के सफिया सराय ओपी क्षेत्र के डकरासत खजुरिया गांव में वार्ड नंबर 7 के आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका वंदना देवी के पति मुन्ना को गोली मार दी गई है। इसे लेकर उस केंद्र की सेविका संगीता देवी, उसके पति एवं उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि सहायिका वंदना देवी और सेविका संगीता देवी के बीच मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। कहा जाता है कि इसी बदले की भावना से घटना को अंजाम दिया गया। घटना में घायल मुन्ना को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया। इधर सफिया सराय ओपी पुलिस सूचना मिलते ही मामले की जांच कर आरोपितों की धर पकड़ की कोशिश में जुट गई है। सनमार्ग के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। उसका पत्नी से हमने ऐसे हल्का फल्का लड़ाई हुआ, उसी में वो बूढ़ी रखने रहा, सुबह में उठा और चाय पीने गए, बस गोली मार दीपक मंडल बारी में सही कहा है। क्या पोस्ट है आपका? सहायिका। तो जो सेविका है उनका क्या नाम है? संगीता कुमार, उदय भी है संगीता। तो आपको कितना दिन से सेंटर चालू हुआ है? जनवरी है सर। अभी तक एक साल हुआ। तब पेमेंट आपको देता था? नहीं मिला है, कुछ नहीं, खाली पोषाहार मिलता है। पोषाहार में 40 बच्चा का आता है, उसमें 20 बच्चा आता है सही से, वो भी खाना नहीं खिलाती है। वही में हम जानते थे तो टेंशन की अंडा कुछ भी नहीं देती। तब वो ये अरवाड़े में बोले तो लड़ाई उड़ाई हुआ, उसी में गोली इसका मार दी। आपके पति को गोली मार दिया? धमकियों को भी दिया था क्या? धमकी भी दिया था? हाँ, वही लड़ाई झंझट हम दोनों कर रहे थे ना, उसी में लोग गांव का आया, समझाया बुझाया, उसके बाद वो चुपचाप हो गया। आज सुबह में गोली मार। तो सेविका के पति ने ही गोली मार दी? हाँ, कौन कौन मारा था आपके पति गोली? भरत मंडल और संगीता। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।